आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वेडनेसडे, आज करवा चौथ। सो गाइस, हैप्पी करवा चौथ। और आप लोग स्पेशली जो लोग करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, मैरिड वुमन हो या फिर अनमैरिड वुमन भी हो, या फिर वो सब लड़के जो अपने पत्नियों के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए करवा चौथ का फास्टिंग कर रहे हैं, आप सभी लोगों को करवा चौथ का ढेर सारे शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और हाँ, ऑफकोर्स मैं भी करवा चौथ का व्रत करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, आज ज़्यादा सुबह का टाइम नहीं है, दोपहर हो गया, तो मैं नहा धो के फ्रेश होकर आके बैठी हूँ। नया एक सूट पहना है, सलवार सूट, शाम को साड़ी पहनूंगी। सुबह से साड़ी पहन के मैं इतना काम नहीं कर सकती ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं जो भी काम करना है ना, जो भी थोड़ा भोग के लिए प्रसाद बनाना है या फिर भगवान को थोड़ा सजाना है, सब कुछ अरेंज करके रखना है, वो सब मैं सलवार पहन के करती हूँ। सो दैट ईजी होगा एंड इतना कम्फर्टेबल रहेगा, इतना मेहनत नहीं होगा। और अभी मैं नहा के आके थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, थोड़ा ज्वेलरी पहनना बाकी, इयर रिंग, बैंगल्स एंड मंगलसूत्र ये सब अभी तक पहना नहीं है, वो भी पहन लूँगी। मैंने सोचा पहले थोड़ा सा वीडियो शुरू करती हूँ, क्योंकि जस्ट आके मैं आज नेल पेंट अभी लगाया ना, पैरों में, हाथों में सब नेल पॉलिश लगाया, तो मैं सोच रही हूँ कि वो सब बाद में पहनूंगी, क्योंकि अभी पहनने जाऊँगी, निकालूंगी तो नेल पेंट मेरा ख़राब हो जाएगा, तो तब तक मैं आप लोगों से बात कर लूँ। सुबह से मैंने वीडियो शुरू नहीं किया था, क्योंकि सुबह से ना सब बाकी सारे काम थे, मतलब क्लीनिंग वगैरह के बहुत सारे काम किया, तो थोड़ा सा आज मैं क्या बोलूँ, व्रत के साथ साथ काम भी था, तो थोड़ा थक गई हूँ। और अभी तो मेड भी नहीं है ना, तो काम इतना प्रेशर हो गया है ना, ओ माय गॉड, मेरा हालत खराब है, इतना थकान हो रहा है। हर साल मैं जनरली कोलकाता में रहती हूँ, लास्ट ईयर भी इधर ही थी, जस्ट करवा चौथ के एक दिन पहले ही कोलकाता से आई थी, तो काफ़ी सारा सामान मैं ना मैं वहाँ से कोलकाता से लेके आई थी, प्रिपरेशन करके आई थी, ऐसा था, तो मेरे लिए बहुत ईजी गिरा था। बट इस बार टोटली यहाँ पे एंड सब कुछ मैं अकेले कर रही हूँ ना, तो इतना प्रेशर हो गया है मेरे पे, इतना ज़्यादा थक गई हूँ, क्या बोलूँ। हाँ, अभी मैं भगवान को सब सजाना, वो सब जो भगवान को ऐसा मतलब सुबह को ही सब करते हैं ना, वो सब मैं करके रखती हूँ, और शाम को पूजा है, तो शाम को तो मैं साड़ी पहनूंगी। तो चलिए अभी दिखाते हैं मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो चलिए अभी चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये रहा मेरा आज का करवा चौथ का दिन का आउटफिट। एक मैंने सलवार पहने और थोड़ा मैंने बोला ना कि ज्वेलरी पहन के आते, तो थोड़ा सा ज्वेलरी भी पहन लिया है, तो कैसी लगी हूँ मैं मुझे जरूर बताना। शाम को मैं साड़ी भी पहनूंगी। अभी ये सब तो हो गया, अभी मैं थोड़ा भोग के लिए प्रसाद बनाऊंगी। एक्चुअली हलवा पूरी देते हैं करवा चौथ में भोग के, और बाकी सब फ्रूट्स मिठाई तो होता ही है, तो हलवा पूरी के लिए मैं पूरी का आटा गूंद लेती हूँ और हलवा बना लेती हूँ, तो वही सब हो जाएगा, उसके बाद बस हो जाएगा, ज़्यादा काम नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए अभी अंदर चलते हैं, मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए बाहर आई ना, बाहर बहुत बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है, यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी जा रही है इसलिए, बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है यार ऐसे नैच, बहुत ज़्यादा ही आवाज़, जस्ट सामने से एक छोटा सा ट्रक जैसा जा रहा है। गया फाइनली, ओह माय गॉड, ये रोड जो है ना हमारे बैल्कनी के सामने, यहाँ से इतना गाड़ियाँ सब जाती रहती है ना, पूरा दिन बैल्कनी में आके शांति से 5 मिनट का व्लॉग नहीं कर सकते अब। तो एनीवेज मैं अभी अंदर जाती हूँ, कर लेती हूँ, और बाहर, हाँ जो मैं बोल रही थी कि बाहर आके मुझे वीडियो करना बहुत पसंद है ना, ठंडा ठंडा हवा भी है एंड अच्छा वेदर भी लगता है, लाइट भी अच्छा आता है, तो मन खुश हो जाता है। और सच बात बताओ, लास्ट कुछ दिनों से, मतलब 4-5 दिनों से एकदम क्लियर स्काई है,
देन धूप हो रही थी, रोज रात को ना मून दिख रहा था एकदम अच्छे से ऊपर मैं देख रही थी, बट आज सुबह से ना एकदम क्लाउडी है, हल्का हल्का धूप आ रही है, देन अगेन क्लाउड हो रहा है, पूरा क्लाउडी क्लाउडी। आज मून निकलने में देखना पक्का लेट करेगा और एकदम हमें परेशान कर देगा। हर साल करवा चौथ यही होता है। एनीवेज चलिए अभी अंदर चलते हैं, मैं भूख का सब बना लेती हूँ। और हाँ, कोई रेसिपी वेसिपी आज शेयर नहीं करूँगी, ये तो सिंपल चीज़ है हलवा पूरी, क्या ही उसका रेसिपी शेयर करूँ, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से फिर से। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सूजी का हलवा बना लिया और काफी अच्छा दिख रहा है, बना है तो अच्छा ही। शाम हो गई है, 5:15 हो गया है और अभी मैं रेडी होंगी। एक्चुअली पता है सब काम वाम करके, जो भी थोड़ा कुकिंग था ना, मतलब प्रसाद बनाना था, वो सब करके ना मैं थोड़ा लेटी थी, सो गई थी, सो ही नहीं बस ऐसे ही आधा घंटा आराम से लेटी रही, अच्छा लगा, थोड़ा थकान हो गया था ना। तो अभी मैं साड़ी पहनूंगी, ये वाला साड़ी देखिए, एक कलर इतना प्यारा कलर है ना, पिंक है, बट ऐसा पिंक कलर का अभी मैंने नहीं पहना, पिंक एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है। तो मैं ठीक से एक बार दिखाती हूँ कि साड़ी कैसा है। ये मैंने अगेन सोच से लिया, कुछ तो बैंगलोर सिल्क बोला शॉप से, कि मैंने पूछा कि कौन सा साड़ी है, तो वो लोगों ने बोला कि ये बैंगलोर सिल्क है, तो काफ़ी अच्छा है साड़ी। तो एनीवेज मैं अभी इसको पहनूंगी। और हाँ, मैंने पहले सोचा था कि मैं पहनते टाइम एक साड़ी ड्रिपिंग का वीडियो ले लूँगी, बना लूँगी, बट ऑनेस्टली गाइज मतलब इतना थकान हो रहा है ना, आप लोग समझ ही सकोगे थोड़ा सा तो, एटलीस्ट इतना थकान है, इतना मतलब मैं क्या बताऊँ, तो इसलिए आई एम सो सॉरी। आज तो मैं साड़ी ड्रॉपिंग का वीडियो अभी नहीं शूट करना चाहती, क्योंकि एक तो थकान हो रहा है और ऊपर से बहुत अभी भी पूजा रिलेटेड काम बाकी, तो वो तो नहीं करूँगी, वो किसी और दिन आराम से करूँगी। इतना थक के मूड बिल्कुल नहीं हो रहा है कि मैं इतना मेहनत करूँ, प्रॉपरली कैमरा सेट करूँ, बोलूँ, बात करूँ, वीडियो बन, इतना ऑनेस्टली नहीं कर सकती यार, थक गई हूँ बहुत, तो आज तो वो वाला नहीं होगा। एनीवेज मैं रेडी होके देन आप लोग को दिखाती हूँ मेरा लुक। तो गाइज ये रहा मेरा करवा चौथ का साड़ी, पिंक एंड गोल्डन कलर, और इसका जो पिंक है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है। मैं ऐसा पिंक कलर कभी, मेरे पास कोई भी साड़ी तो नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ साड़ी को पहनने के लिए। तो मैं अभी सीधा पहन के दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ।
अभी मेरा जस्ट पूजा कंप्लीट हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से वीडियो फोटो सब लिया है पूजा के, और पूजा के टाइम का बहुत ही थोड़ा थोड़ा ही वीडियो शूट किया, ज़्यादा नहीं, तो अच्छे से पूजा हो गया तो मैं खुश हूँ। अभी ऑलमोस्ट 8 PM हो रहा है और अभी भी मून निकलने में टाइम है। 8 कितना आप दिखाया मूनराइज का टाइम? 8:44 दिखा रहा है मूनराइज का टाइम। कोई तो ऐप में देख रहे हैं हम लोग, तो हितेश कब से देख रहा है तो वही पता नहीं, आज तो बहुत लेट आता है सीरियसली, और बैंगलोर में खास करके लेट होता ही है मूनराइज में। हाँ मतलब लास्ट ईयर ही मैंने फर्स्ट टाइम बैंगलोर में थी, तो लास्ट ईयर मून तो चलो आ गया था, काफ़ी लेट किया था बट आ गया था। इस बार लेट्स सी कब आएगा, देखते होपफुली जल्दी आए। गॉड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे दिया वगैरह जल रहा ना, तो यहाँ पे फ़ैन मैंने ऑन नहीं किया, तो सोच रही हूँ अंदर जाके बैठती हूँ थोड़ा फ़ैन के नीचे, अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत गर्मी लगी है, साड़ी पहन के आदत नहीं है ना रहने का, और ऊपर से गर्मी में कब से थी, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, रिलैक्स कर लेती हूँ, बाद में जब मूनराइज आएगा, जब बाकी पूजा करूँगी तब तो डेफिनेटली मैं वीडियो लूँगी। Into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. You look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. गाइज तो अभी मैं अंदर आई हूँ, बोला था ना कि अंदर बैठूंगी थोड़ा आराम करूँगी, फैन फुल एकदम करके बैठी हूँ, थोड़ा बहुत वीडियोज एंड फोटोज लिया है साड़ी का। साड़ी इतना अच्छा है ना, मैं क्या बोलूँ, इतना कंफर्टेबल है, इतना सॉफ्ट है, इतना लाइट वेट है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने साड़ी मतलब इतना हैवी कुछ पहना है। बहुत अच्छा साड़ी है यार, सीरियसली मैं बहुत पसंद आया। मैं तो सोच रही हूँ ऐसा और एक दो ले लूँ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे थे बैंगलोर सिल्क बोल के, तो मस्त है साड़ी। पहले मुझे एक मैनिक्विन का साड़ी पसंद आया था, तो लेकिन वो एकदम डार्क पिंक था, तो वो मैंने नहीं लिया, देन ये वाला लाइट पिंक अच्छा था, बहुत अच्छा है यार, मैं खुश हूँ साड़ी को लेकर। और हाँ अभी 8:30 बज गए, तब बोला था ना 8 PM हो रहा, अभी 8:30 बज गए, मून के लिए वेट कर रहे हैं यार, पता नहीं कब आएगा। 8:44 PM तो बोला है मून राइज का टाइम, बट पता नहीं, हितेश ने बोला ना कोई तो ऐप डाउनलोड किया, वही ऐप पे देखे जा रहे हैं। और गाइज मुझे ज़रूर बताना तो आज मैं कैसी लग रही हूँ, आज सुबह भी मैंने नया एक सलवार पहना था रेड कलर का, और अभी भी मैं ये पिंक कलर का नहीं हूँ साड़ी ही पहना है, तो मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ, और कौन सा लुक मेरा बेटर है, सलवार वाला लुक या फिर ये साड़ी वाला लुक, ज़रूर बताना। अभी जस्ट पता चला कि मून राइज हो गया है, मून निकल आया, मेरी फ्रेंड ने अभी जस्ट मैसेज करके मुझे बताया, उसके घर से मे भी दिख रहा है बट हमारे यहाँ से अभी तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं सब बैल्कनीज चेक कर रही हूँ, बैल्कनी में नहीं दिख रहा है। मतलब हितेश वो ऐप जो है ना, वो ऐप चेक किया है, ऐप में दिख रहा है अभी आ गया है, बट यहाँ पे पीछे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पीछे है जो अभी दिख नहीं रहा है, तो हितेश गए हैं टेरेस पे चेक करने के टेरेस से दिख रहा है कि नहीं। बट ऑनेस्टली गाइज मैं इतना थक गई हूँ, मुझे तो मैं बोल रही हूँ अरे यार टेरेस तक भी मैं नहीं जा सकती, तो वही अभी वो टेरेस से देख रहे हैं, मैं यहाँ बाहर जाके जरा चेक करती हूँ गाइज बाद में। हाँ मैं थोड़ा सा अपडेट दे दिया, बाद में बताती हूँ सब कुछ। हो गया करवा चौथ का पूजा, अभी जस्ट मून भी क्लाउड में छुप गया है, मेरा लक टचवुड सीरियसली अच्छा था, जस्ट मैं बाहर आई तभी मून थोड़ा सा निकला था, और पूरा पूजा के टाइम मून दिखा, जस्ट एकदम एंड में बाकी मतलब पूजा जब खत्म हो गया तब मून भी गायब में, और मुझे कोई फिक्र नहीं, चलो गुड मून तो दिख गया है। तो आप लोगों ने देखा पूजा कंप्लीट हो गया है, और करवा चौथ करवा चौथ करवा चौथ सब पहले जब आता है ना तभी उसके पहले ही मजा आता है, कि कोई भी फेस्टिवल हो पूजा ऐसा आ रहा है उसका प्रिपरेशन करना उसका मजा लगता है, लेकिन एक बार हो जाए मतलब जब डे आ जाता है बहुत ही फास्ट वो डे खत्म भी हो जाता है, सुबह से लग रहा था ओह माय गॉड कितना बड़ा दिन कब मून निकलेगा, लेकिन अभी देखिए सब कुछ हो गया, सब पूजा वगैरह हो गया, मून अभी गायब भी हो गया पूरा ही एकदम, थोड़ा बहुत फोटोज वीडियोज ले लिया है मैंने,
वो सब इंस्टाग्राम में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैं अभी अपलोड करूंगी इंस्टाग्राम में। तो एनीवेज गाइस, आज का ये डे आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों ने कैसा अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया वो भी मुझे ज़रूर बताना। सो गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो उस बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना, तभी जाके आप लोगों को मेरे सारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप मेरे वीडियोज़ को देख पाएंगे। सो गाइज, मैं आप लोगों से मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।